नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। लीवर की गर्मी और सूजन को दूर करेंगे ये पक्के नुस्खे। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक यही है, आज हम इसी पर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। लीवर हमारे शरीर का सबसे अहम हिस्सा है। यह भोजन पचाने, एनर्जी देने और विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। ऐसे में लीवर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ लोगों के लीवर में सूजन और गर्मी पड़ जाती है जिससे पेट में दर्द होने लगता है और वजन कम हो जाता है। प्रदूषित वातावरण, गलत खानपान, सिगरेट और शराब के अधिक सेवन से लीवर में सूजन आ जाती है। लेकिन ऐसे में कुछ घरेलू उपाय अपनाकर लीवर को स्वस्थ रखा जा सकता है। तो आइए जानते पहले इसके लक्षण और फिर इसके उपचार के बारे में। इसके जो लक्षण है दोस्तों, पेट में सूजन, मुंह से दुर्गंध आना, पाचन क्रिया खराब होना, चेहरे और आंखों में पीलापन, यूरिन का रंग बदलना, शरीर में कमजोरी और डार्क सर्कल बढ़ जाने। तब बात करते हैं घरेलू उपचारों के बारे में जिससे आप इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं। गाजर का जूस। लीवर की सूजन कम करने के लिए रोजाना गाजर का जूस पिए। इसके अलावा गाजर जूस में पालक जूस मिलाकर भी सेवन कर सकते हैं। नंबर दो उपाय है मुलट्ठी। इसके लिए मुलट्ठी को पीसकर पाउडर बना लें और इसे पानी में उबाल लें। जब पानी ठंडा हो जाए तो इसे छानकर पी लें। इससे लीवर की सूजन और गर्मी दूर हो जाएगी। नंबर तीन उपाय है सेब का सिरका। लीवर की सूजन को कम करने के लिए एक चम्मच सेब के सिरका और एक चम्मच शहद को एक गिलास पानी मिलाकर पिए। इससे शरीर से विषैले पदार्थ बाहर निकलेंगे और सूजन कम हो जाएगी। नंबर चार उपाय है दोस्तों नींबू। इसके लिए एक गिलास पानी में एक नींबू का रस और थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर उसको आपने पीना। इससे फायदा मिलेगा। दिन में दो से तीन बार इसका सेवन करना है आपने, तो उससे लीवर की गर्मी दूर हो जाएगी। नंबर पाँच उपाय है दोस्तों छाछ। एक गिलास छाछ में काली मिर्च, हींग और भुना जीरा डालकर भोजन के साथ पिए। इससे लीवर की सूजन और गर्मी दोनों दूर हो जाएंगे और आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो ये थे दोस्तों घरेलू उपाय लीवर की गर्मी को शांत करने के और सूजन को ठीक करने के। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई स्वास्थ्यवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।